होते हैं और जड़ में डालने का प्रयास रहता है इनका हमेशा से। नवनीत इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, वैकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं लेकिन रन सिर्फ एक आता हुआ दो पे पहुंचा है। स्कोर इस वक्त नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। दोनों बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। जिमी दरबार और हरदेव सिंह जडेजा। फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद थोड़ी चढ़ गई थी, पुल लगाना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी एक रन। तो इसी के साथ अब यहां पर लगातार रन्स को जोड़ने की कला जो है उसको किस तरह से उसी चीज को पुनरावृत्ति करेंगे ये बहुत दिलचस्प रहेगा, ये बहुत मैटर करेगा। नवनीत एक अच्छे गेंदबाज है, सही तरीके से टीम को आगे ले जाने की कला इनके अंदर है। नवनीत ओ बढ़िया गेंद जड़ में थी, स्विंगिंग यॉर्कर, छोटी बैकलिफ से मिड ऑफ पे ड्राइव करते हुए एक रन। इसीलिए तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में दो ही चीज़ों की रेस्पेक्ट होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। कमाल की गेंद थी, बिल्कुल जड़ में रखा था नवनीत सिंह ने। जिमी दरबार सामना कर रहे हैं, इस मरतबा कलाइयों को उपयोग, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ते हुए ऑन साइड में एक रन बना और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। चार पे पहुंचा स्कोर, अभी तक बहुत ही टाइडी। पांच पे पहुंचा स्कोर, अभी तक बहुत ही कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में। जी बिल्कुल, और अगर आपको लीड करने की जिम्मेवारी दी गई है तो ऐसे गेंदबाजी आपको करना ही पड़ेगा। कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ भी डाल रहे हैं सही ठिकाने के साथ, कभी जड़ में भी डाल रहे हैं। नवनीत सिंह, ओ क्या गेंद थी, कान के पास से हरदेव सिंह जडेजा को गुड इवनिंग कहती हुई विकेट कीपर के पास, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। एक ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त केवल पांच। ये देखिए काफी नेस्टी बाउंसर था वहां पर, करारा जवाब था नवनीत सिंह का। एक ओवर की समाप्ति पे क्या कहेंगे अभिजीत, क्या ये टोटल, क्या ये शुरुआत अच्छी है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की? देखिए शुरुआत इसलिए भी अच्छी है कि इन्होंने विकेट नहीं गंवाई। आमतौर पर हम कई सारी टीमों को देख रहे हैं पहले ओवर में बड़े हिट्स के चक्कर में विकेट गंवा रही है, लेकिन आपको ज़रूरी है ना कि जब आप पावर प्ले के ओवर्स में खेल रहे हो तो यहाँ पे जमकर रन्स बरसाए जाए, जो भी फील्डर सर्कल के अंदर है उनके सर के ऊपर से खेला जाए, क्योंकि आपने देखा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को हटा रखा है, मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैयार किया गया था, तो आप उस दायरे में सीधे बल्ले से जा सकते हैं खेलने के लिए। एग्जैक्टली, पावर प्ले आईसीसी ने बनाए इसलिए था कि पावर प्ले मानी खेलने की ताकत। अक्षय सिंह आए, इस मरतबा ऑन दी राइस खेला है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन पर, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, चार रन। और जैसे जैसे ये ओवर ये गेंदें बीतती चली जाएंगी वैसे वैसे दशा और दिशा दोनों चीज बदलती नजर आएंगी आपको, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब बल्लेबाजों को जमकर रन बरसाने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है उनके ऊपर से आप आराम से खेल सकते हैं, छक्के नहीं तो आप चौके के लिए जा सकते हैं। पावर प्ले का मतलब ही यही होता है, आप उसका भरपूर तरीके से इजहार करिए। क्या टेलीकास्ट है, चारों एंगल से उस शॉट को दिखाया गया। अक्षय सिंह का स्वागत करते हुए जिमी दरबार, इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री में, दूसरा चौका, ये भी ऑन द राइस खेला है। ग्रेट शॉट, क्रैकिंग स्ट्रोक था ऑन द राइस, दो में दो चौके आए, अब रनों की शुरुआत होती भी और जिमी दरबार अब
रनों का दरबार लगाते हुए नेक्सलिस का अब अटैकिंग दौर शुरू होता हुआ। अक्षय की अच्छी गेंद, ऑफी जिप्स उछल कर गेंद को खेला ऑन साइड में, एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रन बिना किसी विकेट के। और जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, नवनीत ने तो अच्छी गेंदबाजी की, नवनीत ने इससे पहले भी अच्छी गेंदबाजी लगातार की है, अब यहाँ पे उसी चीज को अक्षय भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चौके जरूर हैं, बट यहाँ से अगर विकेट आप ले लेते हैं तो लोग उस चीज को भुला देंगे। बिल्कुल, हरदेव सिंह जडेजा ने इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत बारी खेली थी, सामना करें अक्षय सिंह का। स्विच हिट की कोशिश, क्या ये जरूरी था? जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो कहते हैं टेढ़ा नहीं करना चाहिए, और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि सीधी उंगली से थोड़ी कम घी निकले और टेढ़ी उंगली से कुछ ज्यादा ही निकल जाए, ऐसे करने में वो कुछ ज्यादा कर गए, ज्यादा प्रयास कर गए। बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं हरदेव सिंह, इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है, मिडॉन पे रन पूरा करते हुए बल्ले को स्लाइड करते हुए दूर से पहुंचे थे अपनी क्रीज में, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के। हरदेव सिंह जडेजा 5 गेंदों में 3, 6 में 12, जिमी दरबार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकाबला चल रहा है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस बनाम एबी आजम वॉरियर के बीच में। इस मरतबा बढ़िया गेंद, एबी आजम वॉरियर फील्डिंग कर रही है, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला, दो ओवर पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है, 15 रन बने बिना किसी विकेट के। और मैं इस गेंद पर समझ नहीं पाया कि बल्लेबाज सोच क्या रहे थे, क्या मानसिकता थी, क्या मेंटालिटी थी। तो चलिए, दो टीम है और मैं देखना चाहता हूं क्या चाहती है पब्लिक, किसके तरफ जाना चाहती है पब्लिक। नेक्सलिस ऑयल एंड गैस वर्सेस एबी आजम वॉरियर्स, क्या बोलती पब्लिक? ये आवाज नहीं आ रही है आज, आज थोड़े से सुस्त नजर आ रहे। यस, थोड़ा जरूर अपने टीम को सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए एसटीसीए सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ये खूबसूरत सा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, सजावट देखिए, इस ग्राउंड की खूबसूरती को देखिए, छटा लगातार बिखेरती हुई, ये स्टैंड देखिए जहां पे की प्रैक्टिस सेशन में MS धोनी ने भी आके बहुत सारे लंबे लंबे छक्के मारे थे, और वही ग्राउंड यहाँ पे इनके पास मौका। इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद विकेट के पीछे ज्यादा जाके स्विंग हुई, बढ़िया निर्णय अंपायर का, इप्पा खाने के बाद विकेट के पीछे जाकर ज्यादा स्विंग हुई थी गेंद। गेंदबाजी करें नवनीत सिंह, इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन लेफ्ट स्वीप। और एक बार फिर से लगातार तैयार होते हुए, आपके लिए अगर मैं ये बोलूं कि जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं, जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं, लेकिन जितने भी बनाए हैं वो इस सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में आए हैं। इस मरतबा हल्के हाथों का इस्तेमाल किया, गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, एक रन बनता हुआ। और इसी के साथ लगातार आगे बढ़ने की एक कामयाब कोशिश है, खास बात यह है कि अभी तक विकेट नहीं गवाई है, दहाई आंकड़े तक तो पहले ही पहुंची, लेकिन अब 20 रनों के कुल योग पर पहुंच चुकी है बिना विकेट गवाए। ये देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, लगातार दर्शक सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों को, वाह क्या बात है, नजारे देखिए, कैमरामैन लगातार इन चीजों को, इस दृश्य को कैप्चर करने की कोशिश करते हुए। नवनीत सिंह फिर जर में गिनती, बॉलर बैक ड्राइव पुश, कोई रन नहीं। एक बात तो है कि बहुत से जो दर्शक बताए जा रहे हैं वो हरदेव सिंह जडेजा के बहुत बड़े फैन लगते हैं, 21 रन बिना किसी विकेट के। शाकिर काकू तो बड़ा नाम है, पहले दिन से एक ही नाम हम सुन रहे, शाकिर काकू।
ये हमारा कमेंट्री बॉक्स मिस्टर पठान ऑफिशियल स्कोरर नूर पठान इस मरतबा आड़े बल्ले से पुल करना चाहते थे, खराब शॉट वहां पर बैट्समैन हरदेव सिंह जडेजा का, थोड़े से परेशान है। यस ये देखिए जिमी दरबार सही तरीके से उस शॉट को अंजाम नहीं दे पाए, डगआउट में अभी भी खुशी का माहौल नहीं। जी बिल्कुल, और अब यहाँ से जैसे जैसे ये क्रिकेट आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि अभी तक विकेट नहीं गवाई है, एक खास बात जरूर है, लेकिन खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, दूर गगन की छाव में 6 रन। धोकिए ताली, अभिवादन कीजिए इस खिलाड़ी का, नतमस्तक हुए हैं इसके सामने गेंदबाज, जिस तरह से बड़े बड़े शॉट्स के कशीदे पड़े हैं इन्होंने, एक से बढ़कर एक खूबसूरत से दृश्य दिखाए हैं इस ग्राउंड पर। लगातार ये जो फ्लड लाइट्स की रोशनी में सराबोर ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं दर्शक, अभिवादन कर रहे हैं इन चीजों का। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ, नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की टीम का स्कोर 26 बिना किसी विकेट के। क्या पावर बैक स्ट्रोक है, क्या पावर बैक स्ट्रोक है, खींच के मारा था। और ये देख सकते हैं आप 10PL के ब्रांड एम्बेसडर, तनवीर भाई को भी वहां दिखाया गया, तनवीर की मानी होती है रोशनी और 10PL की रोशनी है तनवीर। बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति, नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने बनाए इस वक्त 26 रन, विकेट उनके पास 10 के 10 विकेट हाथ में है, यहाँ से कभी भी बल्लेबाज गेर बदल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से, आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप, मौसम है सुहाना, हर कोई है 10PL का दीवाना। ये दीवानगी जारी रहेगी 12 तारीख की देर रात तक, बने रही हमारे साथ। 18 पे जिमी दरबार, क्या शॉट खेला था उन्होंने, न सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए बने रहिए, बल्कि आप हौसला भी अफजाई करिए इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं। यस, थॉमस डाइस ब्रांड एम्बेसडर 10PL के साथ में ये अजीम भाई को दिखाया जा रहा है, मैन फ्रॉम मुमरा और MCA के अंपायर भी हैं, वो बहुत मशहूर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ये ऑन फील्ड अंपायर हमारे। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 26 बिना किसी विकेट के, 26 विदाउट लॉस। जेमी दरबार एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूँ, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। सो सही। एनर्जी बोले तो स्टिंग। कंग्रेचुलेशंस पेप्सी, आई लव यू। Oh.
बॉस टेक्स्टिंग दे रहा। तीन ओवर 26 रन और कुल मिलाकर अगर विकेट कोई नहीं गिराए, इस तरह की जो स्थिति रहती है अभिषेक, यहाँ पे आपके पास 10 विकेट शेष हो, 5 ओवर बचे हो, तो फिर आपके जो ओपनर्स हैं वो रिस्क लेके बल्लेबाजी कर सकते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से एबी आजम वॉरियर ने अपने मेन फ्रंट लाइन बॉलर सद्दाम खान को मोर्चे पे लगाया गया है। दूधिया रोशनी सारे मैदान को अपनी बाहों में समेटती हुई, बहुत ही आइडियल क्रिकेट कंडीशन जिसे कहते हैं गुलाबी सर्दी का महीना चल रहा है। सद्दाम खान स्विच हिट करने की कोशिश, गति परिवर्तन था, गेंद देखना है बल्ले से टकराई नहीं, लेग बाय, एक रन और आता हुआ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। 27 रन मुकाबला चलता हुआ नेक्सलिस ऑयल एंड गैस और साथ ही साथ एबी आजम वॉरियर। सद्दाम खान का सामना अब करेंगे जिमी दरबार। जिमी दरबार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके और 1 सिक्सर लगा चुके हैं। जिमी को फिर खींच के मारा है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। चाबुक शॉट, चाबुक स्ट्रोक, चाबुक जिस तरह चलता है उस तरह से गेंद स्क्वायर लेग पर, 4 रन। जी हाँ बिल्कुल, और इस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच करके मिड विकेट की तरफ डिपॉजिट करना, ये कोई खास बल्लेबाज कर सकता, खास से और ज्यादा खास होता हुआ ये बल्लेबाज, क्योंकि एक और गेंद गई है बाउंड्री के पार, जोड़िए एक और 4। जिमी दरबार ऑन फायर, 2 चौके लगा चुके हैं, मुश्किल स्ट्रोक था जब बैकफुट पे जाके फोर्स किया था, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट, इस मरतबा छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल, पुश किया जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए, स्लिम एडॉप पे गेंद गई थी, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का 36। जिस तरह नेक्सलिस का ऑयल गैस जितना जल्दी जल जाता है उतने तेज रन बना रही है ओपनर जोड़ी। और ये देखिए जिमी दरबार को एक नजर डालिए, लगभग 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं, ये अंदाज जिस तरह से वो बयां कर रहे हैं अपने बैटिंग से वो बड़ी खास नजर आ रही है, एक से बढ़कर एक शॉट्स के कसीदे पड़ रहे हैं यहाँ पर। सद्दाम खान बहुत ही खूबसूरत ड्राइव आंखों के नीचे खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन आता हुआ, इसके साथ ही चौथे ओवर की 1 गेंद बाकी है, बहुत बढ़िया टोटल हम कहेंगे क्योंकि फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। ओके एकदम 10 PL के चेयरपर्सन आरिफ खान साहब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ, गति परिवर्तन डाउन द ग्राउंड खेला है, पहले बाउंस पे नहीं बल्कि 6 रन, कैलकुलेटेड 6। क्या शॉट खेला है वहां पर, और कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति। नेकलिस ऑयल एंड गैस ने बहुत बढ़िया टोटल बना लिया है, कुल रन बने 43 बिना किसी विकेट के। ये आरिफ खान साहब को आप देख सकते हैं 10 PL के चेयरपर्सन, द मैन क्रिएटिव
हिस्ट्री इन टेनिस क्रिकेट। और समय हो चुका है अब, क्योंकि इससे पहले ओवर में लिया गया था। खेल की शुरुआत होती भी बचे हुए चार ओवर में क्या टोटल रहेगा, आइए सुनते हैं। हमारे दोनों साथी कमेंटेटर हरेश के लीड करेंगे, उनका साथ निभाएंगे अजय घरत। धन्यवाद सदीप बाबे। नो बॉल से शुरुआत हुई है नए ओवर की, और क्या कमाल का स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट यहां पर दिया गया है जिमी दरबार द्वारा। 33 पर नाबाद है, मात्र 14 गेंदों का सामना किया है। बीमर गेंद से शुरुआत की इस ओवर की सद्दाम खान ने, और फ्री हिट का मौका हितेंद्र के पास, क्या पे निकाल दिया इस बार, बढ़िया शॉट, 4 रन। Wonderful switch it, and the fireworks have started in the camp of Next List Oil and Gas. They're getting the boundaries, they're getting the sixes, and the scorecard is ticking along. बिल्कुल निडर होकर खेले वहां पर हरदेव सिंह जडेजा, जो कि सलामी बल्लेबाज है, उनको पता था कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। फ्री हिट गेंद थी, चूक भी जाते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, आउट नहीं हो सकते थे। These are ominous signs here for AB Azam Warriors. Both the openers are still on the wicket, and the way they are batting at the moment, these are dangerous signals. 43 without loss, fifth over has just started. Once again a misfield, and once again getting a boundary. With this boundary score has crossed 50 and it has reached 52. अब तो आलम यह है कि रन्स बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं लगातार। अब चौके आते हुए पिछले ओवर में शानदार छक्का भी देखने को मिला था, इस बार काफी फाइन खेल दिया था। विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की रोकने की, लेकिन निकल गई तेज गति से गेंद, काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर। Once again, very nicely played. This is a flicker down the wide along on region for a single. Looking at the prospect and the progress of this match, it looks as if the batsmen are hungry and the bowlers are feeling thirsty. और रनों की जो भूख है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर जिमी दरबार की। और हरदेव सिंह जडेजा ने भी काफ़ी प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहा उनका, लेकिन अब वो भी गियर चेंज कर रहे हैं। दिस इज मैग्निफिसेंट, टेक दैट बॉल बट आउटसाइड द ग्राउंड, सुपर स्ट्राइकिंग। Paging for the captain of Ek Mumra and SI Goa Super Kings. खिलाड़ियों का जादू यहां पर देखने को मिला है, केवल फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और क्या लाजवाब टाइमिंग रही, जबरदस्त टाइमिंग, तेज गेंद थी ये, लेकिन लगभग हाफ वाली ही बन रही थी, उसका पूरा फायदा उठाया और 6 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज जिमी दरबार। ये उनका तीसरा छक्का, चौकों छक्कों में डील करते हुए इस समय दोनों भी बल्लेबाज। Well, it's not about the sixes. How well he's hitting. This is crisp hitting. This is creamy hitting. Striking at the meat of the bat, and the sixes are flowing almost all parts of the ground. So you can say even the bowlers are not doing their job well here. This is a top edge. This might be a catch. Dropped here. They might go for the second run, deciding against it. So everything happening on the field, such an exciting match, match between the green and the yellow, and the yellow color is ruling at the moment. 60 without loss in just 4.5. बहुत अच्छी शॉर्ट पिच गेंद इस बार देखने को मिली अक्षय सिंह द्वारा, मौका क्रिएट किया था उन्होंने, बल्लेबाज कंट्रोल के साथ खेल नहीं पाए थे उस गेंद को। Once again a short ball, but a very nicely bowled, the ball bouncing up. The batsman looking at the leg umpire, but umpire says well within. So it's not about the mark,
required, and a dot ball to finish. A rare dot ball, rare entity here, the dot balls are in this match after 5s, 60 without loss. बेहतरीन स्थिति में नेक्सलिस ऑयल एंड गैस 60 रन बिना किसी नुकसान के ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए बल्लेबाज 40 पर खेल रहे जिमी दरबार। ये तीसरे दिन का खेल है, तीसरी रात का खेल इस समय हमारे सामने है। स्काई एक्सचेंज डॉट नेट प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 का पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और इस टूर्नामेंट के, इस लीग के चेयरपर्सन आपकी स्क्रीन पर इस समय आरिफ खान साहब। You can see Arif Bhai having a walk along with Zamir Ahmed, the SI Goa Super Kings, along with the PI of Goa, Raza Sheikh and Sabir Bhai. They are having a chat about the match and also about the tournament. This is, another catch dropped. And why this was required? This is a suicide. This is a total suicide. The batsman didn't know where the ball had gone. And this was a miscommunication which is uncalled for. They were going so well. First wicket down at the score of 60 at the start of 6th over. Once again, paging for captains of SI Goa Super Kings and Ek Mumra. It's time for the toss, and we are waiting for you in the presentation arena. And in comes the new batsman, Zakir Kaku. Needs no introduction. The big man here in Surat, big in all stretches. Look at the stature of this man. Yeah, you can see the big support for Zakir Kaku here. फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर है साकिर काकू, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी गुजरात में। 60 पर पहला विकेट गिरा है, बहुत अच्छे पोजीशन में नेक्सलिस ऑयल एंड गैस। एंड दिस इज अ वाइड बॉल वे आउटसाइड, एंड आई डोंट थिंक व्हेन यू आर टेकिंग अ विकेट, ऑल्दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रन आउट, द बॉलर शुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट the batsmen, even though they are going, their attacking instinct is there, still need to bowl a good delivery, because sometimes you can give it a wicket of successive balls as well. This has happened in cricket many a times. And once again, good length, perfectly bowled here by the bowler Pankaj Patil. They need to bowl many dot balls if they need to come back in this match. Not a single will help them. Pile up the pressure on Jimmy Darbar. He might be thinking that was it my mistake that that run out happened. So that also works in the mind of the batsman, works in the mind of the striker. This is in the air. Has he timed it well? He has timed it very well. Look at the ball flying. The ball right now is talking in the air. Another six here from the man Jimmy Darbar. वाइड हाफ वाली थी और क्या करारा प्रहार किया है वहां पर। ज्यादा फुटवर्क नहीं था लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, और सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। ये देखिए जगह काफी मिली थी हाथ खोलने के लिए। सुपर शॉट दरबार का एक और जबरदस्त वार, और अब अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। शायद पहला अर्धशतक देखने को मिल सकता है NPL के इस चौथे संस्करण का। Well, we might see the first half century. And everyone will be hoping that it comes from the bat of Jimmy Darbar. This is in the air. This might go for 4 runs. This might be the first 50. Well, this is the first 50 of 10PL season 4 coming from the bat of Jimmy Darbar. And everyone here standing and giving applause to Jimmy Darbar. Look at the crowd. लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी जिमी दरबार द्वारा। मात्र 20 गेंदों में ये 50 रन उन्होंने पूरे किए हैं। skyexchange.net presents 10PL season 4 के पहले बल्लेबाज जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है, एक यादगार पारी जिमी दरबार द्वारा। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इज द टॉप मोस्ट वेयर वेयर द फायर ऑलवेज लिट्स अप एंड
This is a fire lighting up in the camp of Nexilis Oil and Gas through Jimmy Darbar. Right now, he is gym jamming the opposition bowlers. They don't have any idea and are clueless at the moment where to bowl to him. Whether you bowl on the offside and a full length ball, he can drive you down the ground over the covers and long off. If you bowl in short, he can play in the point and extra cover region. And if you bowl him like this, he can play the full shot as well. और पूरे कंट्रोल के साथ खेला इस बार. हवा में खेलने का इरादा नहीं था. बैट को बहुत अच्छी तरह से रोल करते हुए वहां पर गेंद के ऊपर और सिंगल लिया है इस ओवर की अंतिम गेंद पर, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं. हालांकि साकिर काकू भी एक खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन जिमी दरबार काफी अच्छे टच में है. अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, 51 पर नाबाद और 6 ओवर्स के पश्चात स्कोर है 72 पर 1. बैटिंग फॉर द कैप्टन टीम एक मुमरा. अगला मुकाबला एक मुमरा और एसआई गोवा सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा. एक और बड़ा मुकाबला रहेगा. फिलहाल ये ग्रुप ए का मैच चल रहा है और नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ने कमाल का प्रदर्शन किया है. इससे पहले जो 3 मैचेस खेले तीनों जीते हैं और उनका ये अंतिम ग्रुप मैच है. दूसरी तरफ एवी आजम वॉरियर्स है जिन्होंने 2 मैच खेले इससे पहले और प्रदर्शन कहीं ना कहीं उतना अच्छा रहा नहीं है. जीत अभी तक मिली नहीं है, खाता अभी तक खुला नहीं है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है एवी आजम वॉरियर्स के लिए. एब्सोल्युटली नेक्सलिस look to continue their winning streak. They are almost through while winning 3 out of 3, and this is the 4th match. And if they go on to win the 4th match, they will be leading at the top of this table. Certainly a wonderful team and a very good balance in this team, right at the top and also the middle order. What a magnificent 50. आखिरी ओवर के लिए हर्षिल पंड्या, बल्कि 7वां ओवर है, इसके बाद और एक ओवर है. दिस इज वन मोर. ही इज लीडिंग अप दिस स्टेडियम हियर थ्रू हिज मैग्निफिसेंट हिटिंग. लालबाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम इज अलाइव थ्रू अ स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ बैटिंग फ्रॉम दिस मैन. चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश होती हुई इस समय सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, और ये चौकों छक्कों की बारिश जिमी दरबार के बल्ले से. 5 चौके और 5 छक्के लगा चुके अभी तक अपनी पारी में. क्रॉस बैटेड शॉट, बहुत जल्दी गेंद के लेन को ताड़ते हुए इस बार हैमेट कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. ओहो अद्भुत शॉट. दिस इज एक्सक्विजिट बैटिंग हियर फ्रॉम जिमी दरबार. गेंदबाज को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद करे तो कहाँ करे. स्टंप्स की तरफ किया तो भी बड़ा शॉट और ये वाइड गेंद की थी, उसके बावजूद भी चौका जड़ने में कामयाब रहे जिमी दरबार. वाव, आउटरेजियस बैटिंग. वेल अजय, वी वर जस्ट नाउ टॉकिंग अबाउट वेदर द 50 कैन बी कंप्लीटेड, एंड 50 has been completed by Jimmy Darwar as an individual knock. And here is a team at the moment going very well on 88. Can we see a century by a team in this tournament? We have seen 99 being scored, 100 being the target. Can the century, that barrier be broken here by this Nexilis Oil and Gas? मैं भी यही कहने वाला था, 9 गेंदें अभी भी बची है इस पारी में और 33 रन और उनको चाहिए. This is in the air. This might be a sad end. Well, the fortune favors the brave. Fortune always favors the brave. This is the best example for that. And the king, the Lion King has been spared. देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार मौका बना. इससे पहले भी कुछ अवसर आए थे, वो मुश्किल अवसर थे, लेकिन ये तो बहुत ही सरल अवसर था. विकेट कीपर जज ही नहीं कर पाए. इट्स लाइक समबडी इन द जंगल कॉट द लायन इन द केज बट ही लेफ्ट लॉक द केज.
And at this time, it will be a single. Never mind, the crowd will also like the singles as well. They are losing it. They are losing it here, Azam. AB Azam Warriors, leg by signal, two leg byes here in the name of the team. What is happening here? What is happening? Well, इससे ज्यादा स्लॉपी क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखने को मिला है किसी भी टीम द्वारा। एबी आजम वॉरियर्स के खिलाड़ी कहीं ना कहीं निराश करते हुए, जहां पर एक रन बनना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा, वहां पर तीन रन खर्च किए गए हैं। फील्डिंग बड़ी ही साधारण स्तर की रही है। इट लुक्स लाइक दे आर इन द मिडल ऑफ अ बिग स्टॉर्म एंड दे आर क्लूलेस व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। दिस टाइम प्लेड नाइसली फॉर अ सिंगल and I guess single he will keep the strike of the next over. Magnificent batting we are seeing, and one team is well on course to reach that 100 mark barrier. Well, Ajay, I'd like to add on to that for all the viewers. There is a wonderful story of something called as a 4-minute mile, and 4-minute mile is a story that in the previous century, there was a saying that